हम रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं आई और वी डी में, रिलेशन बिटवीन करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। बीडी और मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। फॉर अ कंडक्टर वी वॉन्ट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड द इलेक्ट्रिक करंट। हम बोल रहे हैं इन दोनों में डेफिनेटली कोई रिलेशन तो होना ही चाहिए, ठीक है। इट इज वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जिस तरह से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड को समझाया, उससे बहुत ऑब्वियस है कि दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा ही। अब हम इस तरह का एक केस ले, सपोज वी कंसिडर सम इलेक्ट्रॉन्स एट अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करें, इस तरह से, ठीक है। अब हम ड्रिफ्ट स्पीड के ही टर्म में बात करेंगे। हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड के पीछे का मैकेनिज्म क्या है। हम डायरेक्टली ड्रिफ्ट स्पीड के ही टर्म्स में बात करेंगे, मतलब वो कॉन्स्टेंटली एक स्पीड से ड्रिफ्ट होते जा रहे हैं, हम ऐसा ही मानकर चलेंगे। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरह से आगे मूव करेंगे, दे विल ड्रिफ्ट, और इस तरह से ये एक दूसरे क्रॉस सेक्शन तक पहुंच जाएंगे। ये सभी जो है एक दूसरे क्रॉस सेक्शन तक पहुंच जाएंगे, इसे मैं बोल दूं वन, इसे बोल दूं टू, ठीक है। ये सारे ही इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन पर पहुंच जाएंगे कुछ टाइम बाद, बाय ड्रिफ्टिंग ये इलेक्ट्रॉन्स सारे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए, ठीक है, लेट अस कॉल इट डेल्टा एक्स, ये इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड क्रॉस सेक्शन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। मैं यहां पर हमारी अब गिवन कंडीशंस लिखता हूं, ऐसे दैट इन डेल्टा टी टाइम इलेक्ट्रॉन्स एट क्रॉस सेक्शन वन रीच क्रॉस सेक्शन टू, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर ही दें, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी, ड्रिफ्ट के ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, अब मैं एक बहुत ही लॉजिकल बात बोलता हूं, बहुत ही ऑब्वियस बात बोलता हूं, अगर वन वाले इलेक्ट्रॉन्स वन में जो वन पर जो क्रॉस वन क्रॉस सेक्शन पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो टू तक पहुंच गए, तो वन और टू के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने तो टू को क्रॉस किया ही होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स ने तो टू को क्रॉस किया ही होगा डेफिनेटली। अगर वन एरिया वन वाले इलेक्ट्रॉन्स एरिया टू पर पहुंच चुके हैं, ठीक है, फ्लो को रिकॉल करो, फ्लूइड के फ्लो को रिकॉल करो,
ठीक है, हमने इसी तरह की बात वहां भी कही थी, भाई यहां से फ्लूइड यहां आ गया है तो इसके बीच का फ्लूइड पूरा आगे गया, ये डेफिनेटली मतलब, ठीक है। सिमिलरली वन वाले अगर टू तक पहुंच गए हैं तो वन और टू के बीच में जितने भी हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स ने डेफिनेटली क्रॉस सेक्शन टू को क्रॉस किया है। देयरफॉर अब यहां ये कंक्लूड कर रहे हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन वन एंड टू मस्ट हैव क्रॉस्ड क्रॉस सेक्शन टू इन दिस टाइम डेल्टा टी। इस डेल्टा टी टाइम में डेफिनेटली इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्रॉस सेक्शन टू को क्रॉस किया ही होगा। नाउ अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस किए ये अगर हमें पता चल जाए तो हम यहां पर फिर इलेक्ट्रिक करंट लिख पाएंगे। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाए, उन पर चार्ज हमें पता है तो हमें नंबर ऑफ चार्जेस पता चल गए, नंबर ऑफ चार्जेस पता चल गए दैट नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, ठीक है, वो चार्ज अपॉन डेल्टा टी, हमें करंट मिल जाएगा, उससे हमें करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर फिर एक और टर्म, एक और फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं विच इज ऑल्सो अगेन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी। हम यहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन करते हैं, स्मॉल एन से हम उसे डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हम स्मॉल एन डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना तो सिंपल है, ये वन और टू के बीच में वॉल्यूम कितना है ये कंप्यूट करना तो इजी है, सिंपल है। अगर ये वॉल्यूम हमें मिल जाए तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे हम डेंसिटी पता हो और वॉल्यूम पता हो तो मास निकाल सकते हैं, वैसे ही ये जो चीज हमने लिखी है क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दैट मटेरियल। तो अगर हमें वॉल्यूम मिल जाए तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे हमें, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो हमें चार्ज मिल जाएगा। सबसे पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें, सपोज उसे हम डेल्टा एन बोल दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग क्रॉस सेक्शन टू इन टाइम डेल्टा टी। तो इसके पीछे हमने क्या लॉजिक दे रखा है कि भाई वन और टू के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब डेफिनेटली क्रॉस सेक्शन टू को क्रॉस किए ही होंगे। हम डेल्टा एन लिख देते हैं, डेल्टा एन विल बी इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी इंटू दिस वॉल्यूम। अब अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है, ये जो डिस्टेंस कवर हुआ ये डेल्टा एक्स है, तो
वॉल्यूम जो है वो ए डेल्टा एक्स हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल एन इंटू ए डेल्टा एक्स, स्मॉल ए इंटू डेल्टा एक्स. ये डेल्टा एक्स कैसे लिखा जा सकता है? वी वेलोसिटी से डेल्टा टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर हुआ. सिंस द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट तो हमें यहां कुछ इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, हम यहां डायरेक्टली लिख सकते हैं बिकॉज वी डी इज कॉन्स्टेंट. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगेन यहां पर हम याद रखें इट इज अगेन यूनिफॉर्म. हम यूनिफॉर्म वाला ही केस फिर से ले रहे हैं, ठीक है. द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कैपिटल है, तो ए डेल्टा एक्स जो है, ए डेल्टा एक्स जो है वो वॉल्यूम हो गया. डेल्टा एक्स को हम लिख देंगे वी डेल्टा टी. सो डेल्टा एन विल बिकम एन ए वी डी डेल्टा टी. अब हम करंट कंप्यूट कर लें, अब हम करंट कंप्यूट कर लें. I इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इंटू ई, ठीक है. हम ये वाला रिलेशन क्यों यूज कर रहे हैं, डी क्यू बाई डी टी क्यू नहीं, बिकॉज हम ये बता रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कॉन्स्टेंट है, तो डेफिनेटली चार्ज का फ्लो भी यूनिफॉर्म है, कॉन्स्टेंट है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑल्सो डेफिनेटली यूनिफॉर्म, वो भी डेफिनेटली कॉन्स्टेंट है. इजीली हम इस तरह से लिखते रहे, हमें डी क्यू बाई डी टी करने की कोई जरूरत नहीं है यहां पे. अगर हम वैसे भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं, हम इस टाइम को डिफरेंशियल बोल दें, ये टाइम डिफरेंशियल है तो ये डेल्टा एन की जगह हम डी एन लिख दें, डेल्टा एक्स की जगह डी एक्स लिख दें, ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वही बात हो जाएगी. फिर से सारी वैल्यूज पुट कर दे, ई इंटू एन ए वी डी डेल्टा टी होल अपॉन डेल्टा टी. हमें करंट की वैल्यू मिल जाती है, इट विल बी इक्वल टू एन ई ए वी. हमें इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन मिल जाता है, इट विल बी इक्वल टू एन ई ए वी डी. फिर से यहां पर अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें, अगर ये कंडक्टर जो है ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, अगर ये कंडक्टर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये स्मॉल एन फिक्स रहेगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी मटेरियल के लिए ये स्मॉल एन फिक्स रहेगा. स्मॉल ई तो कॉन्स्टेंट है ही, कैपिटल ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर यूनिफॉर्म है तो हमें दिखेगा करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा करंट होगा. अगेन अ वेरी ऑब्वियस थिंग, जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उतनी ही तेजी से चार्ज फ्लो होगा, उतना ही ज्यादा करंट होगा. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्न किस पर डिपेंडेंट थी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के. मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतना ही ज्यादा करंट होगा, ठीक है. इनफैक्ट हम वो रिलेशन यहां पर लिख ही सकते हैं, हम वी डी की वैल्यू पुट कर दें एन ई ए इंटू
स्मॉल ई टाउ बाय एम कैपिटल ई, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में इस चीज को डायरेक्टली लिख सकते हैं, करंट को लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू एन ई स्क्वेयर टाउ बाय एम ए इंटू ई। एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू कैपिटल ए इंटू ई, ठीक है। इस तरह से हम करंट को, इस तरह से करंट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करके भी बता सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां करंट की वैल्यू होगी। The value of current will be directly proportional to the electric field applied inside the conductor. ठीक है, फिर से यहां इस टर्म को ब्रैकेट में लिखने का, इस टर्म को ब्रैकेट में लिखने का क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है? ये टर्म जो है फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल फॉर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर दिस टर्म विल रिमेन कॉन्स्टेंट। ये टर्म जो हम यहां लिख रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर दिस थिंग विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ये जो ब्रैकेट में हमने लिख दिया है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। नाउ यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम चाहेंगे किसी तरह से करंट से रिलेटेड भी कोई वेक्टर क्वांटिटी हो जिसे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से रिलेट कर सकें। हम चाहेंगे कि भाई स्केलर को स्केलर से रिलेट किया जाए, वेक्टर को डायरेक्टली वेक्टर से रिलेट किया जाए। हम क्यों यहां पर एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से रिलेट करें? हम चाहेंगे कि हम इस स्केलर क्वांटिटी को की जगह पर इससे एसोसिएटेड, इससे रिलेटेड कोई वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करें, कंसेप्चुलाइज करें, जो फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से रिलेट हो जाए, ठीक है, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से रिलेट हो जाए। एट दिस पॉइंट वी डिफाइन, देयरफॉर वी डिफाइन अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, हम एक और फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं विच इज रिलेटेड टू अ करंट एंड विच विल बी अ वेक्टर, ठीक है। ऑन पर्पस हम एक ऐसी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो वेक्टर हो और इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड भी रहे। वी कॉल इट करंट डेंसिटी, उसे हम करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल जे वेक्टर से इसे जनरली डिनोट किया जाएगा। स्मॉल जे वेक्टर से इसे हम डिनोट करेंगे, ठीक है। नाउ हम यहां डेंसिटी की बात कर रहे हैं, हम करंट डेंसिटी बोल रहे हैं। डेंसिटी वर्ड हम हमेशा यूज करते हैं जब हम पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम किसी चीज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहां पर जो हम डिफाइन करेंगे दैट विल बी पर यूनिट एरिया। जो हमने ये करंट बताया है, ये अगेन इस तरह से किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से
अगर फ्लो हो रहा है ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट इस तरह से अगर फ्लो हो रहा है then we define the current density as the amount of electric current flowing per unit area perpendicularly through a cross section. The amount of current flowing per unit area perpendicularly through a cross section. ठीक है, now again परपेंडिकुलरली डिफाइन बोलने का कारण क्या है, हम फिर से फ्लूइड डायनामिक्स रिकॉल करें, फ्लूइड डायनामिक्स रिकॉल करें, हमने इस तरह के एग्जांपल वहां पर देखे होते हैं. अगर एक पाइप है उसका ऐसा क्रॉस सेक्शन है, एक पाइप इसी पाइप को काट कर एक ऐसा क्रॉस सेक्शन बना लिया जाए, आगे से उसे एक प्लेन से कट कर दिया जाए, तो क्या सिंपली ये एरिया बड़ा हो जाने से Q इक्वल टू A इंटू वी जो हम लिखते हैं, फ्लो रेट जो हम लिखते हैं, क्या वो फ्लो रेट बढ़ जाएगा क्योंकि एरिया बढ़ गया? डेफिनेटली नॉट, भाई लिक्विड तो उतना ही बाहर आएगा. तो हम यहां कहते हैं हमें इस एरिया से मतलब नहीं है, हमें वो एरिया चाहिए जो फ्लो के परपेंडिकुलर हो, विच विल अल्टीमेटली अगेन बी दिस एरिया, वैसे वही एरिया आ जाएगा. सिमिलरली अगर इस जगह पर एरिया ऐसा ना देकर हमें इस तरह का बना दिया जाए, एट द सेम जगह पर हमें ऐसा एरिया दे दिया जाए, तो हम कहेंगे हमें इस एरिया से मतलब नहीं है, हमें इसके प्रोजेक्शन से, हमें उस एरिया से मतलब होगा जिससे करंट परपेंडिकुलरली बाहर आ रहा हो, जिससे करंट परपेंडिकुलरली बाहर आ रहा हो. तो वो अपने आप फिर से यही वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया बन जाएगा. या हम ऐसा बोल दें कि इस करंट का हम एक तरह से कॉम्पोनेंट ले लेंगे, ऑल्दो वैसे हमें बोलना नहीं चाहिए क्योंकि करंट को हम स्केलर बोल रहे हैं, तो इसीलिए रादर देन कॉलिंग करंट, रादर देन टॉकिंग अबाउट कॉम्पोनेंट्स ऑफ करंट, हम एरिया को वेक्टर बनाकर और एरिया वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स के टर्म में बात करें. हम कहेंगे इस एरिया वेक्टर का हमें सिर्फ वही कॉम्पोनेंट चाहिए जो करंट की डायरेक्शन में हो, उस एरिया वेक्टर का हम सिर्फ वही कंपोनेंट कंसिडर करेंगे जो करंट की ही डायरेक्शन में हो. सो हम यहां पर करंट डेंसिटी डिफाइन कर देते हैं. इट इज द अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया क्रॉसिंग अ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलरली. ठीक है, परपेंडिकुलरली बोलना यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज करंट यहां पर इस एरिया पे भी इतना ही होगा, इस एरिया पे भी इतना ही होगा, पर यहां डेंसिटी कम यहां डेंसिटी ज्यादा ऐसा दिखने लगेगा, विच विल बी रॉन्ग बिकॉज एक कॉन्स्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो सब जगह करंट की जो वैल्यू है, करंट की जो वैल्यू है सब जगह पर वो हमें सेम मिलनी चाहिए.
ठीक है, डायरेक्शन हम किधर देंगे, डायरेक्शन विल डेफिनेटली बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इस करंट डेंसिटी की हम डायरेक्शन बताएंगे, दैट विल डेफिनेटली बी डायरेक्शन इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो हम अगर एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला कंडक्टर है तो सिंपली इस जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से लिख देंगे, आई अपॉन ए। जे की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड जो है वो इस तरह से लिख देंगे, आई बाय। ठीक है, द रिवर्स उल्टा डिफाइन करना जनरली ज्यादा आसान पड़ता है। ठीक है, करंट को इस जे वेक्टर के टर्म्स में डिफाइन करना ज्यादा इजी हमें दिखेगा। ठीक है, ये जो J वेक्टर डिफाइन हुआ, ये डिफाइन हुआ इस तरह से। ठीक है, और ये है हमारा एरिया वेक्टर। ये है एरिया वेक्टर। तो रिवर्स डिफाइन करना ज्यादा आसान हो जाता है। हम कहेंगे करंट जो है, इट विल बी बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस J एंड A। डॉट प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं ये एरिया वेक्टर का हमें ये वाला कॉम्पोनेंट चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर सपोज थीटा है, तो हमें चाहिए J इंटू A कॉस थीटा। और अगर हम J डॉट A कर दें तो वही चीज हमें मिलने लगेगी, वही चीज हमें मिलने लगेगी। हम बोल रहे हैं हमें एरिया का ये वाला कॉम्पोनेंट चाहिए था, ए कॉस थीटा। तो जे डॉट ए अगर हम कर दें तो वही हमें मिलने लगेगा। सो करंट को हम अगर डिफाइन करें करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के टर्म्स में, तो वो ज्यादा इजीली हमें समझ में आएगा, ज्यादा क्लियरली हमें समझ में आएगा। If the current density is variable, then dI should be written as J dot dA. अगर variable current density है, non-uniform current density है, तो हम dI को J dot dA लिख दें। Total current निकालने के लिए हमें इसका integration करना होगा। टोटल करंट निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करके लिखना होगा। द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज प्रिटी ऑब्वियस। करंट डेंसिटी की एसआई यूनिट बिल्कुल ऑब्वियस है, इट विल बी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो डेफिनेटली एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगी। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी रिलेटेड टू करंट। ये एक हमने वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन कर दी जो करंट से रिलेटेड है, और इसीलिए जहां पर भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी से रिलेट करना चाहेंगे करंट को, तो हम उसे फिर
इस करंट डेंसिटी के टर्म्स में रिलेट करेंगे, ठीक है, उसे हम इस करंट डेंसिटी के टर्म्स में रिलेट करेंगे हमेशा। तो इस तरह से यहां पर हमने ये करंट डेंसिटी वेक्टर डिफाइन कर दिया। अब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करें। कैसे हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट कर सकते हैं ये हम देखें। हम वाले फॉर्मूले को कंटिन्यू करें आगे। हमें यहां साफ साफ दिखने लगेगा अगर हम इस एरिया को इधर ले आए, आई अपॉन ए कर दें, ठीक है, इस फॉर्मूले को रिलेशन बिटवीन थोड़ा सा जोर से बोलो प्लीज, इस फॉर्मूले में क्या कौन से सरफेस के लिए, यहां पर नहीं मतलब हाँ ठीक है, दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन, ये जनरल एक्सप्रेशन है, इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी एरिया, ये किसी भी एरिया के लिए एप्लीकेबल है। और मैं बोल रहा हूं कि ये एरिया लो चाहे ये एरिया लो, करंट की वैल्यू सेम आनी चाहिए। भाई इस क्रॉस सेक्शन से भी आई करंट जा रहा है, इस क्रॉस सेक्शन से भी आई करंट जा रहा है, तो जो हम फॉर्मूला लिखे वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि एरिया कोई सा भी ले लूं, मैं एरिया में कोई सा भी ले लूं, जो वैल्यू है वो हमेशा वहां पर ऐसी आनी चाहिए कि हमें दोनों से करंट की वैल्यू सेम मिले। तो मैं ये एरिया लूं चाहे कोई तीसरा एरिया ले लूं, ठीक है, कोई तीसरा एरिया भी ले लूं, फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर एनी केस। तभी तो ये हमने डॉट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, तभी तो मैंने कहा कि ये मैग्नीट्यूड जो है वो तो इस तरह से लिख दिया जाएगा आई भाई है। लेकिन इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम क्या है, इस फॉर्मूले में ये प्रॉब्लम है कि ये इस एरिया को एक जैसा मानता है, और इसीलिए तीनों पर करंट डेंसिटी ये अलग अलग बताने लगेगा। वेर एज The current density is the same in all the three cases. तो अगर हम रिवर्स उसका लिखें, इस तरह से लिखें, तो वो बात हमें क्लियरली दिखेगी कि अगर J इधर है और एरिया वेक्टर इधर है, तो J डॉट A अपने आप A cos थीटा आ गया, कॉम्पोनेंट आ गया, ये यहां पर कह रहा हूं मैं। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी एरिया, ये किसी भी एरिया के लिए एप्लीकेबल है।
ठीक है भाई। सो हम कंटिन्यू करें, हम रिलेशन, ये रिलेशन बिटवीन जे एंड ई फाइंड करें, ठीक है। हम इसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं और यहां से हमें मैग्नीट्यूड में तो एक बिल्कुल ऑब्वियस रिलेशन दिखता है, इस तरह से हमने लिखा हुआ है। सो अगर हम एरिया से डिवाइड कर दें तो आई बाय ए विच विल देन बिकम जे, वो हमें दिखने लगेगा इस तरह से एन ई स्क्वेयर टाउ बाय एम इंटू ई, ठीक है, एन ई स्क्वेयर टाउ बाय एम इंटू ई। ये जो ब्रैकेट में टर्म है हमने कहा इसे हम कांस्टेंट बोल सकते हैं इफ अ मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज फिक्स्ड, किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम देखें तो ये ब्रैकेट वाला टर्म कांस्टेंट रहता है। उस कांस्टेंट को कुछ नाम देते हुए, उस कांस्टेंट के लिए कोई सिंबल या लिखते हुए, और फाइनली इस रिलेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखते हुए हम कंक्लूड करते हैं दैट जे विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस रिलेशन इज बेटर नोन एज ओम्स लॉ, इसी रिलेशन को हम ओम्स लॉ। ठीक है, हम ओम्स लॉ का एक और फॉर्म जानते हैं जिसे जूनियर क्लासेस में बताया जाता है, बट दिस इज द मोर इफेक्टिव, अ मोर वी कैन से यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये एक ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा यूनिवर्सल फॉर्म है ओम्स लॉ का, या हम बोल सकते हैं इट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, इसे हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोल सकते हैं। इसे हम कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर अप्लाई कर सकते हैं, वेर एज जब हम ओम्स लॉ का वो दूसरा एक्सप्रेशन पढ़ते हैं वी इक्वल टू आई आर, जिसको हम जानते हैं, ठीक है, जिसे छोटी क्लास में भी पढ़ाया जाता है, वो जब हम लगाते हैं तो हम पूरे कंडक्टर की एज अ होल बात करते हैं हमेशा, वी टॉक अबाउट द कंडक्टर एज अ होल। सो कई बार इन दोनों में इस तरह से भी डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है, वी से दैट दिस द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दैट इज द मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, इसे हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म सकते हैं, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सिग्मा जो है यहां पर उसे सिग्मा जो हम यहां कांस्टेंट बता रहे हैं उसे हम बोल देते हैं द कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस the conductivity or the specific conductance of the material.
कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द मटेरियल. फॉर अ मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. या हम डिपेंडेंस यहां बता दें, इट डिपेंड्स ऑन फर्स्टली द मटेरियल. अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा. सेकेंड इज टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा. क्यों ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है हम यहां देख लें साफ साफ. एन और टाउ यहां पर आ रहे हैं, ठीक है. एन और टाउ यहां पर हमें दिख रहे हैं और हमने बता रखा है एन और टाउ दोनों ही टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है. सिग्मा का एक तरह से हमारे पास फॉर्मूला यहां पर है, एन ई स्क्वेयर टाउ बाय एम. देयर इज द फॉर्मूला फॉर सिग्मा. एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन एम. टेम्परेचर के साथ जो डिपेंडेंस है वो यहां पर अगर हम देखें, हमने कहा जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे टाउ विल डिक्रीज, जो रिलैक्सेशन टाइम है, मीन रिलैक्सेशन टाइम है, वो कम होता जाता है. द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेस बट द मोर डोमिनेंट पार्ट, द मोर डोमिनेंट पार्ट इज टाउ. ज्यादा डोमिनेंट पार्ट जो होता है वो टाउ होता है. एंड देयरफॉर इफेक्टिवली एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड सिग्मा डिक्रीजेस, सिग्मा वहां पर कम होने लगता है. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सिग्मा की वैल्यू कम होने लगती है. देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस डिपेंडेंस. इस डिपेंडेंस पर एक एक्सेप्शन का एक एक्सेप्शन होता है एंड दैट इज अगेन इन फैक्ट सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, विच इज अगेन एक्सप्लेन एंड डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ सेमीकंडक्टर्स. ये हम सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर में डिस्कस करते हैं. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कंडक्टिविटी, इस कंडक्टिविटी का सिग्निफिकेंस क्या है. हम यहां पर देखें, अगर कुछ एक फिक्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई है, सपोज वी हैव एन नंबर ऑफ कंडक्टर्स, हमारे पास अलग अलग तरह के कुछ कंडक्टर्स हैं ऑफ सिमिलर शेप एंड साइज, ठीक है. एक जैसे शेप और साइज के हमारे पास कंडक्टर्स हैं, सब पर हम बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं. देन इट इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट ग्रेटर द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी मोर विल बी द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी. नाउ मोर द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ग्रेटर द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, more will be the value of current density, more will be the value of electric current. मतलब ये कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, higher the value of conductivity, more the conductor, the metal, the conductor will be a better conductor, the material will be a better conductor. We conclude that higher the value of conductivity, better is the material conductor. ठीक है, इस सिग्मा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो मटेरियल उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा. क्वालिटेटिवली थ्योरिटिकली हम सिग्मा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. वी से दैट सिग्मा कंडक्टिविटी
इज कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल टू सपोर्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द मटेरियल. कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल टू सपोर्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्जेस. ठीक है, हम यहां कंडक्टिविटी का सिग्निफिकेंस बता रहे हैं. हम बोल रहे हैं जितना ज्यादा इसकी वैल्यू होगी, सिग्मा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, बेटर विल बी द कंडक्टर. सिग्मा की वैल्यू मटेरियल के लिए जितनी ज्यादा होगी, मटेरियल उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा. सेकेंडली, सिग्मा कैन बी क्वालिटेटिवली अंडरस्टूड एज द प्रॉपर्टी विच अलाउज और सपोर्ट्स द फ्लो ऑफ करंट इन अ मटेरियल, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मटेरियल. ठीक है, इसी सिग्मा के बेसिस पर जो है मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर. कंडक्टर्स के लिए सिग्मा की वैल्यू हाई होगी, इंसुलेटर्स के लिए बहुत कम होगी, सेमीकंडक्टर्स के लिए मीडियम वैल्यू हमें मिलेगी. ठीक है, फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी एंड ओम्स लॉ. ठीक है, आज ये जो पूरा लेक्चर हमने देखा है, इट इज अगेन ओनली द फंडामेंटल्स, द बेसिक्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी. ये बिल्कुल हमने फंडामेंटल्स, बेसिक्स की बात की है. यहां पर हमने जो भी पढ़ा है उसका थ्योरिटिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा है. इन पर, इन फॉर्मूले पर क्वेश्चंस तो रेयरली कभी पूछे जाएंगे, बट अगर हमें फॉर्मूले याद रहते हैं तो हमें डिपेंडेंस याद रखने में आसानी होगी, किसको बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है, क्या कम होता है, एंड सो ऑन. नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्यादा उस तरफ फोकस्ड होंगे जिन पर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं. ठीक है, हम ओम्स लॉ का मैक्रोस्कोपिक फॉर्म देखेंगे. ठीक है, वो कैसे आता है, इस माइक्रोस्कोपिक फॉर्म से वो कैसे रिलेटेड होता है, और फिर अल्टीमेटली उस ओम्स लॉ का क्या एप्लीकेशन होगा. ठीक है, और आगे देन डेफिनेटली सर्किट्स एंड सर्किट सॉल्विंग, अलग अलग तरह के सर्किट्स कैसे बनते हैं, सर्किट सॉल्व कैसे किए जाते हैं. ठीक है, सो आज हम यहीं पर रुकते हैं, एंड करते हैं यहीं से. फिर ओम्स लॉ से ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे. Goodbye.